गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है संडे और आज है मदर्स डे। तो आप सभी माओं को, बहनों को, माताओं को हैप्पी मदर्स डे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने अपने परिवार में खुश रहें। और फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में बहुत बिजी रूटीन हो जाता है संडे में, तो संडे का दिन ऐसे ही होता है। आज बच्चे घर में ही हैं तो, और बेटी ने तो सुबह उठते ही पहले तो मुझे विश कर दिया था सबसे पहले। और आज मुझे सच बताऊं तो अपनी माँ की भी बहुत याद आई। वैसे तो हमेशा याद रहती है उनकी, याद आती है उनकी, लेकिन आज मुझे बहुत याद आई उनकी और बहुत इमोशनल हो गई थी। तो बिग फ्रेंड्स होता है ना, माँ तो हमेशा दिल में रहती हैं, कभी माँ को हम भूल नहीं सकते। चाहे वो हमारे साथ हैं नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी हमेशा उनकी यादें हमारे साथ हैं। तो फ्रेंड्स, बस माँ को हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। कभी भी माँ को दुख मत पहुँचाना, मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स। माँ बहुत अनमोल होती हैं, बहुत किस्मत से मिलती हैं माँ। और मेरी बहुत प्यारी माँ थी, बहुत ही प्यारी। आई लव यू माँ। बहुत मिस किया मैंने आज अपनी माँ को। खैर फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। और मैंने ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे दिया था पराठे बनाकर, आलू पराठे बना दिए हैं, सारे काम निपटा दिए। आज मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं हुई क्योंकि बहुत बिजी हो गया था, और क्योंकि कपड़े भी धुले, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना संडे के, संडे तो बहुत सारे हो जाते हैं। और फिर नीचे भी, नीचे काम चल रहा है तो नीचे के भी चक्कर लग जाते हैं, कभी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज तो मेरी ऐसी हो जाती है, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके मैंने पानी पी लिया था, तो वही सब है। मैं हल्का सा ही कुछ ब्रेकफास्ट लूँगी, तो चलिए देखती हूँ मैं रसोई में क्या बनाती हूँ। और आज मदर्स डे है तो बच्चे देखिए क्या क्या कहते हैं, उन्होंने शुरू कल से ही फरमाइश कर रखी है। तो देखिए क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर पाऊंगी आज पूरे दिन में, रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नीचे दिखाती हूँ मैं आपको हमारे क्या काम चल रहा है। ये हमारे पहले किराएदार रहते थे, वो अब चले गए हैं, तो यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है। तो ये सारा देखो कितना गंदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नीचे पेंट्स का काम चल रहा है, तो यहाँ पर पेंटर्स को कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ सामान या फिर पानी चाहिए होता है, तो बार बार फिर मुझे चक्कर लगाने होते हैं। हस्बैंड तो चले जाते हैं, फिर मेरे को ही देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा मेरा ये एक्सरसाइज हो जाती है ऊपर से नीचे चढ़ने उतरने की। तो बस यही चल रहा है आजकल। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी लेके आ गई ब्लैक टी, मखाने और थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये बहुत हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, और मखाने तो हमें रोज़ ही लेने चाहिए, और चार बादाम डेली लेने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी से मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है हमें। और वेट लॉस पे चल रहे हैं तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हमें प्रोटीन किसी ना किसी तरह से लेनी चाहिए, दालें लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस पे चल रही हूँ तो मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है। बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल मैंने पूरी तरह से अवॉइड कर रखी हैं, तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही मेरी सिंपल और घर के खाने से ही मैंने इतना वेट लॉस किया है। 54 पर मेरा वेट आ गया है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स, 32 बार फॉर्मूला सचमुच में बहुत इफेक्टिव है, कमाल का है। और मैं इसी को करके कुछ अपनी रूटीन, अपनी हैबिट्स को बदल करके मैं इतना वेट लॉस कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी पतला होना चाहते हैं ना और वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको लगे रहना है और अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करना होगा, कुछ आदतों को बदलना होगा, 32 बार फॉर्मूलों को यूज़ करना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा, हेल्दी फ्रूट, हेल्दी खाना, और इसके साथ डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पतले होने से। और रेगुलर रूटीन में इसको ले आएंगे एक बार, तो आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर आप बहुत जल्दी वेट लॉस करेंगे। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मेरी बेटी ने देखो मेरे लिए क्या बनाया है। थैंक यू बेटा। अंदर कभी पड़े से? अब ये देखो कितने अच्छे थॉट्स लिखे हैं इसने। बेटियां ऐसी ही होती हैं फ्रेंड्स, कितना ध्यान रखती है अपनी माँ का और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और देखो चॉकलेट भी दी है।
लव यू बेटा। आज स्पेशल डे है मदर्स के लिए, लेकिन मदर को याद करने के लिए, माँ को प्यार दिखाने के लिए कोई भी दिन नहीं है, कोई भी स्पेशल डे नहीं है। माँ तो, माँ की जरूरत तो हमेशा ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी माओ के लिए स्पेशल मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। और फ्रेंड्स, मेरी तो मम्मी है नहीं, लेकिन आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपनी माँ को, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सुबह से आज मेरा बिल्कुल भी, मतलब जब से मैं ये देखा है ना, मदर्स डे ये सुन रही हूँ, जब से सुबह से तो मम्मी की इतनी याद आ रही है ना, मुझे बहुत याद आ रही है, और मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। आज सुबह मैं रो भी रही थी तो बेटी ने ही मुझे छुपाया था। तो फ्रेंड्स, बेटे ने भी मुझे विश कर दिया था और मेरे लिए ये बर्गर लेके आया था। तो बच्चे तो एक्साइटेड थे कि सेलिब्रेशन, उन्हें तो मौका चाहिए ना बच्चों को, तो बस छोटे से छोटे सेलिब्रेशन करने के लिए। अभी देखती हूँ, तैयारी करती हूँ अभी तो केक की, तो केक बनवा रही है ये मुझसे कल से ही जिद कर रही थी। तो देखिए, चॉकलेट भी है, तो चलिए देखती हूँ मैं किस तरह का बनाऊंगी। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करा है, तो जो भी बनाऊंगी फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ बेटा बर्गर लेके आ गया था, तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को बर्गर दे दिए थे और मोमोज वगैरह ले आया था। मेरे को भी बेटी बोल रही थी, तो थोड़ा सा मैंने उसके हाथ से खा लिया था, बाकी फिर मैंने तो फ्रूट्स कट कर लिए थे, तो ज़्यादा वीडियो नहीं शेयर करी मैंने आपके साथ। और हस्बैंड का आज लंच बाहर ही था, पार्टी थी तो वो वहाँ चले गए थे, तो खाना किसी ने भी नहीं खाया था। तो यहाँ पर फिर मैंने केक की तैयारी कर ली थी, बैटर बना के रख दिया था रेस्ट के लिए। और यहाँ मैंने नान के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि दाल मखनी बना रखी थी तो बच्चों ने खाई नहीं थी, तो मैं फिर शाम के टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर अब दाल मखनी की के लिए नान की तैयारी कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से ही नान बनाऊँगी, तो बस उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं बेटी को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ इसका क्योंकि कल टेस्ट है, तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तपन ब्रॉट अ स्टोन एंड अ पीस ऑफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और नीचे चल रहा है पेंट का काम, तो वो भी देख करके आई हूँ। छत पे भी अभी जाऊंगी और थोड़ा सा वॉक करूंगी, आज मॉर्निंग में वॉक नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, वॉक करने के बाद यहाँ पर प्लांट में पानी भी लगा दूँ। तो फ्रेंड्स, केक हमारा बन करके रेडी हो गया, अभी इसको डेकोरेट कर रही है बेटी। मैं तो सिंपल ही बनाया था मैंने सूजी का, तो ये कह रही थी कि चलो इसे डेकोरेट भी कर देते हैं। चॉकलेट रखी थी ना मेरी, मुझे जो थी मेरी चॉकलेट से ये डेकोरेट कर रही है। और इधर चल रहा है हमारा मैच, तो हस्बैंड जो है मैच ही देख रहे हैं। और तो फ्रेंड्स, माँ को बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, तो यहाँ केक भी बना दिया था, जैसा भी मुझसे बना बना लिया था, बहुत टाइम बाद बनाया था, तो यहाँ ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे। तो बच्चों की खुशी के लिए फिर केक भी मैंने कट कर दिया था, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो फ्रेंड्स, अब रात का टाइम हो रहा है, 7-8 का टाइम हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मैं खाना बनाने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर नान बना रही थी, तो नान की कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बिना तंदूर के सिंपल तरीके से आप नान बनाना चाहते हैं, रेसिपी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ मैंने तवे पर ही बनाई है और बहुत ही अच्छे से बन गई थी, और बहुत अच्छे से इसमें बबल्स भी आ गए थे, तो ये अच्छी पहचान है एक अच्छे नान बनने की। तो फ्रेंड्स, सबको डिनर करा दिया था, उसके बाद फिर मैंने भी अपना लगा लिया था, यहाँ नान और दही रायता और सैलेड और दाल मखनी, तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना हुआ था, बच्चों को बहुत पसंद आया खाना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना डिनर लेकर के आ गई हूँ, और बहुत टेस्टी डिनर बना है, बच्चों को बहुत पसंद आया, और बहुत टाइम बाद मैंने नान बनाई थी और बहुत अच्छी नान बनी है, और साथ में है ये दाल मखनी। तो बच्चों को आज फरमाइश थी बच्चों की, बच्चों ने आज अपनी पसंद से ही सब कुछ करवाया है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए, तो मदर्स डे पर आज उन्होंने सुबह से अपनी मनमानी करी है और मुझे उसकी फरमाइश पूरी भी करनी पड़ी, क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई बच्चों के आगे। तो फिर दोपहर में उन्होंने अपनी मर्जी से ही बर्गर ये सब खा लिया था, हस्बैंड ने बाहर खाया था, हस्बैंड का आज बाहर लंच था कहीं पर पार्टी में, तो फिर हम लोगों ने यही खा लिया था, मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए थे और बर्गर वगैरह मैंने नहीं खाया था, ना मोमोज वगैरह मैंने नहीं खाए थे, और बस मैंने अपना हल्का फुल्का खा लिया था, और उसके बाद ये डिनर है। तो फ्रेंड्स, इसको भी मैं 32 बार फॉर्मूले के साथ एंजॉय करती हूँ, तो बस यही है हमारी 32 बार फॉर्मूले की जर्नी,
इसको हमें अच्छे से इंजॉय करना है। कुछ भी हम फ्रेंड्स खा सकते हैं अपने खाने में, प्रोटीन से भरपूर है, दाल भी हमारी और यहाँ नान भी। नान कभी कभी हमें कुछ भी लेने में कोई परेशानी नहीं है, हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अपने लिमिट में लेंगे। तो अब मैंने बस दो नान ले ली हैं, क्योंकि मैंने दिन में आज नहीं लिया था लंच और बहुत हल्का लिया था, तो इसलिए मैंने दो नान ले ली हैं और इसके बाद थोड़ा सा मिल्क लूँगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स मैंने अब दूध ले लिया है हल्दी वाला, आधा घंटा हो गया मुझे खाना खाए हुए। मैं उसके बाद किचन भी साफ कर ली, थोड़ा सा ऊपर वॉक भी कराई हूँ और अब मैंने दूध गर्म कर लिया। काफ़ी दूध तेज़ गर्म है तो इसे थोड़ा हल्का ठंडा करके तब पीऊँगी। बहुत सारे काम हो गए आज, पूरा दिन बिजी बिजी गया, बच्चों को पढ़ाना और घर के काम और सारी क्लीनिंग, नीचे भी पेंट का काम चल रहा है तो सारा देखना था, सब बहुत ऊपर नीचे चढ़ना उतरना हो गया पेड़ियों पर, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई। मेरी कान भी अब चढ़ रही है और बस मिल्क लेती हूँ, क्योंकि हमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम की पूरी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो कैल्शियम हमें भरपूर मात्रा में मिलता है दूध से, मैं एक टाइम दूध ज़रूर लेती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में दूध नहीं लेती हूँ तो मैं नाइट में ही लेती हूँ। तो बस अब मैंने दूध ले लिया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई, बर्तन वगैरह सब वॉश हो गए। तो चलिए वीडियो को भी यहीं तक रखती हूँ, होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।